एवरीवन, माय नेम इज नमन एंड वेलकम बैक टू techplusgadgets.com। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सीगेट की तरफ से एक हार्ड ड्राइव का, और इसका अगर मैं पूरा नाम आपको बता दूं तो वो है सीगेट बैकअप प्लस। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 2 TB तक की, और ये जो सीगेट का हार्ड ड्राइव है वो एक नया वेरियंट है सीगेट की तरफ से, तो इसका रिव्यू करना तो बनता ही था। इसको मैंने जो है ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है, यानी कि रिलायंस डिजिटल जाके इसको मैंने परचेस किया है। इसका जो प्राइस मुझे वहां पे पड़ा है वो है 5,200 rupees। इसको आप अमेजोन से भी परचेस कर सकते हो, तो इसकी जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी, क्योंकि इसका जो प्राइस अभी अमेजोन पे चल रहा है वो 5,400 rupees चल रहा है, लेकिन सेल में जो है इसका प्राइस 5,000 तक का चला जाता है। तो आप लिंक पे जाके चेक कर लीजिए कि इसका अभी के टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है, अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइस, इसका जो है आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसका रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ इसी प्राइस रेंज में हमें WD, सोनी, तोशिबा इसकी भी जो है हार्ड ड्राइव मिलती है, लेकिन मैंने उनको स्किप करके सीगेट की हार्ड ड्राइव को परचेस किया है। उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ इसका जो है हम स्पीड टेस्ट भी करके बताऊंगा, क्योंकि इसका एक्चुअल स्पीड टेस्ट जो है वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी बनता है। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस करिए, सब्सक्राइब हो जाइए, और उसके साइड में आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दिख रहा होगा उसको भी प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप लोगों को नोटिफाई हो जाए। तो इस तरीके का बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ से सीगेट की ब्रांडिंग है और 2 TB तक का इसका स्टोरेज कैपेसिटी हमें मिलता है। ये जो हार्ड ड्राइव है वो मैंने रेड कलर में ली है, लेकिन इसमें आपको ब्लू ब्लैक कलर भी जो है ऑप्शन मिल जाता है, और कुछ जो है स्पेसिफिकेशन इसमें लिखी गई है, लेकिन इसका जो नाम है वो है बैकअप प्लस। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई, इसमें आपको मेलो की तरफ से जो है कुछ ऑर्गेनाइजर टाइप का मिलता है, यानी कि फोटोज वगैरह को जो है आप ऑटोमेटिकली बैकअप वगैरह ले सकते हैं। उस तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप क्लियरली देखेंगे तो भाई, यहाँ पे विंडोज और मैक का सपोर्ट है, यानी कि विंडोज में जो है ये नॉर्मली चलता ही है, लेकिन मैक के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। जो सॉफ्टवेयर आपको इनबिल्ट इस ड्राइव में मिल जाता है, तो उसको जो है आपको नॉर्मली इंस्टॉल करना है। तो फटाफट से इसको जो है हम अनबॉक्स कर लेते हैं और हमारी ड्राइव को बाहर निकालते हैं। जो है मैनुअल कार्ड वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये जो है मेलो, ये एक सॉफ्टवेयर है जो इसके साथ फ्री मिलता है। USB केबल ये मिलती है। अब सब कुछ साइड में रख के हम फटाफट से हार्ड ड्राइव को जो है केस बाहर निकाल लेते हैं। तो अब अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन मुझे इसकी लगी है। रेड कलर में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अच्छा लुक ये देता है। उसके साथ साथ सीगेट ने जो है डिज़ाइन में चेंजेस किए हैं, पीछे जो है प्लास्टिक का फिनिशिंग दे दिया है, जिसके कारण जो है इसका वेट काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया है। सीगेट की मैंने दूसरी हार्ड ड्राइव भी देखी है, उसको भी मैंने हाथ में पकड़ा है, लेकिन उसका जो वेट था वो थोड़ा हेवी था, उसके अगर कंपेयर करते हैं तो इसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा लाइट है। उसके साथ साथ WD, सोनी, तोशिबा की जो हार्ड ड्राइव है उनसे तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा लाइट है। और अगर इसके मैं पहली फुर्सत में आपको सजेशन दूँ तो वो ये है कि भाई, इसके लिए आपको केस जरूर खरीदना चाहिए। इसका जो बेस्ट केस है हार्ड ड्राइव का, वो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उस केस को आप लीजिए इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। अगर ये गिर गई, अगर कुछ हो गया इसमें, तो आपका पूरा डेटा जो है वो जा सकता है। तो प्लीज़ वो केस जरूर खरीदिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैंने भी ऑर्डर करा है, एक दो दिन में मेरे पास आ जाएगा। तो भाई, आपको यहाँ पे सीगेट की जो ब्रांडिंग मिल रही है, लोगो मिल रही है, ये जो है चेंज हो गया है सीगेट की तरफ से भी, जो चेंज हुआ था। LED मिल जाती है इंडिकेशन के लिए। और एक और जो चीज़ है आपको ध्यान रखना है वो ये कि भाई, इसका जो पोर्ट है वो जो केबल दी है उसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ये केबल जो है अगर घूम जाती है, ख़राब हो जाता है, तो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि USB वाली नहीं है। एक साइड से तो USB है, लेकिन दूसरे साइड से ये अलग सा पोर्ट इसमें दिया है, तो इस केबल को भी जो है आपको आराम से ढंग से यूज़ करना है। केबल की क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, थिक है, बढ़िया है। अब अगर इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो इस टूल के हिसाब से जो मुझे स्पीड मिली है वो है 120 MBPS, यानी कि रीड और राइट दोनों ही 120 MBPS इसने दिखाई है, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने कॉपी पेस्ट करके देखा है तो मुझे जो है 60-70 MBPS तक इसने आराम से स्पीड दे दी है। स्पीड जो है वो कंप्यूटर लैपटॉप पे भी डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना केपेबल है, तो स्पीड के मामले में कोई भी डाउट नहीं है, अच्छी खासी स्पीड देता है। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ कि भाई WD, सोनी, तोशिबा ये वाली हार्ड ड्राइव मैंने क्यों नहीं खरीदी है, तो उसका जो है बहुत ही सिंपल रीज़न है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न जो है वो है प्राइस, क्योंकि उसका जो प्राइस है इन बाकी हार्ड ड्राइव का वो थोड़ा सा मुझे हाई मिल रहा था, लाइक 300-400 रुपये तक का अंतर मिल रहा था। WD की जो हार्ड ड्राइव है वो 5,600 rupees की मिल रही थी, सेम 2 TB वाली। सोनी की भी जो है 5,500 rupees में मिल रही थी, और सेम तोशिबा के साथ भी ऐसी था। तो गाइस, इतना प्राइस थोड़ा 200-300 रुपये आगे देना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशन है, सेम वारंटी दे रहा है, सीगेट भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है,
2 TB मिल रही है, उसके साथ साथ जो ऑप्शन जो ये फ्री चीज़ें दे रहा है जैसे अडोबी दे रहा है और भी 2-3 चीज़ें जो फ्री दे रहा है वो बाकी की हार्ड ड्राइव नहीं दे रही थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि जो इसका वेट था वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट था। लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ WD से तो वो बहुत ज़्यादा हैवी थोड़ी मिलती है, लाइक इसके कंपेरिजन में थोड़ी हैवी है, सोनी भी हैवी है और तोशिबा भी हैवी है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट मुझे लगी है क्योंकि थोड़ा इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज किया है अभी के टाइम के वेरियंट की। तो ओवरऑल जो है मुझे ये हार्ड ड्राइव पसंद आई थी, इसको मैंने इसको परचेस किया है। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको ये हार्ड ड्राइव का रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि आपके क्या सजेशन है इस वीडियो को लेकर, या फिर कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर जाके आपकी क्वेरी जो है बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।